Hello children, today I am going to explain strange talk. It is unit 10 of class 2. A little green frog lived under a log, and every time he spoke, instead of saying good morning, he only said croak croak. एक छोटा सा फ्रॉग, फ्रॉग किस रंग का है? ग्रीन, हरे रंग का है वो। एक लॉग यानी कि लॉग बोलते हैं लट्ठे, लकड़ी का जो लट्ठा होता है ना उसे लॉग कहते हैं, उसके नीचे रहता था। और हर समय वो क्या बोलता था? गुड मॉर्निंग कहने के बजाय वो केवल कहता था क्रॉक क्रॉक, यानी कि फ्रॉग क्या कहता है? क्रॉक क्रॉक। अ डक लिव्ड बाय द वाटर साइड, देखिए पिक्चर में डक है ना, ये कहाँ रह रही है? वाटर साइड यानी कि पानी के किनारे। एंड लिटिल डिड ही लैक, बट व्हेन वी आस्क हाउ डू डू, ही ओनली सेड क्वैक क्वैक। अब जो डक यानी कि जो बतख है, जो पानी के किनारे रहती थी, वो उसमें क्या थी? कमी थी, लाइक मैंने कमी, एक छोटी सी कमी थी कि जब भी कोई उसे पूछता था, जब भी हम पूछते थे हाउ डू यू, तुम कैसी हो, वो केवल कहती थी क्वैक क्वैक। यानी कि जो डक है उसकी साउंड क्या होती है? क्वैक क्वैक। अ लिटिल पिग लिव्ड इन अ स्टाय एज फैट एज ही कुड बी, एंड व्हेन ही आस्क्ड फॉर डिनर ही क्राइड अलाउड वी वी। एक छोटा सा जो पिग है, पिग मैंने सुअर, वो कहाँ रहता था? स्टाई। स्टाई बोलते हैं बाड़े को, और पिग हाउस को हम स्टाई भी कहते हैं। वो स्टाई में रहता था, और जब वो इतना मोटा था जितना कि वो हो सकता है, और जब भी उससे डिनर यानी कि खाने के लिए, रात के खाने को बोलते ना डिनर, डिनर के लिए पूछते थे तो वो उससे जोर से चिल्लाता था। क्राइड मैंने चिल्लाना, जोर से चिल्लाता था वी वी, यानी कि पिक की साउंड क्या हुई? वी वी। थ्री पप्स लिव्ड इन अ कैनल एंड लव टू मेक अ रॉ, एंड व्हेन दे मींट मे वी गो आउट दे सैड बो वो बो वो। और जो तीन पप्स यानी कि जो पप्पी, जो कुत्ते के बच्चे हैं ना उसे पप्पी बोलते हैं, वो जो है कैनल, डॉग हाउस को कैनल कहते हैं, कैनल में रहते थे, और उन्हें लाइन से चलना पसंद था। रो माने पंक्ति, एक लाइन में, उन्हें लाइन बनाना क्या था? पसंद था। और जब भी उनसे पूछा जाता था इसका मतलब क्या है, मे वी गो आउट, क्या आप बाहर जा रहे हो, क्या हम बाहर जा रहे हैं, तो वो सिर्फ क्या कहते थे, उसका उनका आंसर होता था बो वो बो वो, यानी कि डॉग की साउंड भी आ गई बो वो बो वो। इफ ऑल दीज एनिमल्स टॉक as much as little girls and boys and all of them try to speak at once, wouldn't it make a noise? अगर ये जितने भी एनिमल हैं वो इतना बोलते जितना कि छोटे लड़के और लड़कियाँ, तो उन सब की जो आवाज़ है ना, स्पीक वंस एट वंस, और वो अगर सब एक साथ बोलने की कोशिश करते तो कितना शोर होता। तो ये हमें इस पोएम में बताइए, ये किसने लिखी है? एल ई येट्स ने। इसमें न्यू वर्ड्स आए हैं, इंस्टीट मने होता है के बजाय, लैक मने हुआ कमी, स्टाई मने हुआ जहाँ पे पिग रहते हैं तो उसे बाड़ा भी बोलते हैं, कैनल मने हुआ डॉग हाउस, रॉ मने हुआ लाइन यानी पंक्ति बिल्कुल सीधी, और मेंट मने हुआ मेन। ओके, अब यहाँ पे ये बॉक्स में हमें भरना है। ओके, फर्स्ट है Is your name? अब आप तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पे आएगा What is your name? Second है Old are you? How old are you? Third है Do you play? Where do you play? तुम कहाँ खेलती हो? Do you live? और third में है Do you play? When do you play? और fourth में Where do you live? यहाँ पे आप हमारा हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट में टिक करना है, वी डिड नॉट डैश इन द क्लास, हमें क्लास में क्या नहीं कहना चाहिए? शाउट नहीं कर, शाउट पे टिक करना है। डू यू लाइक टू ड्रिंक वाटर, वाटर में करना है।
ही ट्राई टू क्लाइंब इन द ट्री. तो ट्राइड की स्पेलिंग, और विल यू प्लीज हेल्प मी, आई कैन सी विथ माई आईज. ये भी कंप्लीट हो. नेक्स्ट है मेक सेंटेंस. तो यहाँ पे सेंटेंस बनाने हैं आपको, छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं. जैसे सपोज इज, तो इज में बना देंगे ही इज अ बॉय. आर में हाउ आर यू, आर भी आ गया. नेक्स्ट हैव का सेंटेंस, आई हैव पेंसिल. हैज पेन, और हैड यानी कि पास्ट टेंस. तो हैड, ही हैड, उसके पास था, क्या था, ही हैड अ डॉग, उसके पास डॉग था बट अब नहीं है. ओके, यहाँ पे फाइव लाइन्स लिखनी है पैट के बारे में. अगर आपके पास पैट हो तो आप ये फाइव लाइन्स लिख सकते हैं कि आई हैव अ पैट, ही इज़ अ डॉग, ही हैज ही लाइक टू ईट मिल्क. ओके यहाँ पे पोएम है, आपको पोएम बोलनी है. ऐसे वाइज ओल्ड आउल लिव्ड इन अ ओक, द मोर ही शो द लेस ही स्पोक, द लेस ही स्पोक द मोर ही हर्ड. वाई कांट वी ऑल बी लाइक वट वाइज ओल्ड बट. यानी कि जो ये आउल है, ये जो आउल है, उल्लू है, ये ओक ट्री में रहते हैं, और ये कितना अधिक देख, जितना वो देखता है उतना कम बोलता है, जितना कम बोलता है उतना वो सुनता है उससे ज़्यादा. और तो क्या हम भी इसकी तरह हो जाएं. इस तरह से यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हुआ. और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करिए, और साथ ही चैनल क्रिएशन विद चिल्ड्रन को सब्सक्राइब करिए. ओके, बाय बाय. मुझे